तो भाई वेलकम बैक, दिस इज मी विक्रम शर्मा सैनी एंड बैक अगेन ऑन माय चैनल विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमोरी। दोस्तों जैसा मैंने भी आपको बताया था कि हम अभी तो थोड़ा घूम के आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं दोबारा अपने एक मित्र से मिलने। तो भाई अब पार्ट थ्री ऑफ द व्लॉग इज कमिंग अप। अभी जा रहे हैं अपने एक दोस्त से। ये खड़ी हमारी ब्लैक फॉक्स, सॉरी ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर अंदर जा रही है और वाइट फॉक्स बाहर आ चुकी है दोस्तों, और अगली पारी के लिए हम तैयार हो गए हैं। हिंदुस्तान के अपकमिंग व्लॉगर्स, मिस्टर विक्रम शर्मा, प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई चैनल ऑन यूट्यूब विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमोरीज, प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब। तो ये जा रही थी हमारी ब्लैक पैंथर, गई अंदर और हम गए बाहर। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने याडी से मिलने। तो भाई चलो अपनी वाइट फॉक्स पे हम निकल पड़े हैं अपने दोस्त से मिलने यार। थोड़ा समय स्पेंड करेंगे, व्यतीत करेंगे थोड़ी देर के, थोड़ा उनसे मिलके फिर अभी हम जाएंगे अभिषेक भैया के पास भी। इस गाड़ी की मुझे फॉग लाइट सिखानी है और वो दिखा के फिर हम वापस आएंगे, और आके फिर हमें अपना ऑफिशियल काम करना है, फिर वो ख़त्म करेंगे यार। तो चलो चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। बैक ऑन विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमोरीज, चलो महाराज। तो भाई अभी यार हमें 5-7 मिनट ही हुआ है यार, मैंने फैमिली को छोड़ा है और एकदम से अंधेरा और फॉग होनी शुरू हो गई यार। भाई बड़ा कातिलाना सा यार वो हो रहा है, एकदम ना खतरनाक सा मौसम हो रहा है। देखो यार मतलब दिस इज टू मच यार, एकदम से टेम्परेचर गिर रहा है। और भाई अभी 16 डिग्री था और अब टेम्परेचर गिर के 14 डिग्री हो चुका, और एकदम से फॉग और धुंध और मिस्ट सब इकट्ठी होनी शुरू हो गई यार। कमाल है यार, मतलब पल पल में मौसम बदल रहा है यहाँ पे गुड़गांव का यार, अजीब चल रहा है यार। आई थिंक ये 13-14 तक चलेगा और उसके बाद फिर मामला सब सेट होगा यार। तो भाई आप देख रहे हो यार, मतलब मैं तो पूरी तरह से जैकेट पहन के पूरा पैक्ड अप हूँ यार। मतलब अब ठंड पकड़ रही है यार, जबरदस्त ठंड पकड़ रही है भाई। तो ऐसे में यार दोस्तों यार बैठना और एक एक कॉफ़ी हो जाए तो यार मतलब समझ लो कि जन्नत मिल गई यार, जन्नत। दारू पीने वाले दोस्त जिनके हैं वो दारू पिए हैं, हमारे तो कॉफ़ी वाले भाई, हम कॉफ़ी पियेंगे यार, है ना। तो बस चल पड़े हैं यारों की महफिल में। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था ना यार, कि भाई जो मेरा जो थंबनेल था उसमें था कि शिमला के मजे गुड़गांव में, तो यार वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भाई साहब। एकदम मौसम बदल रहा है, आप देख रहे हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यार। आप देखो मतलब बिल्डिंग्स आपको नज़र नहीं आएंगी पूरी तरह से, क्लैरिटी में नहीं नज़र आएंगी आपको, देख रहे हो पूरा धुआं और पूरा मिस्ट और फॉग जम रही है यार। तो भाई मतलब कहने का मतलब ये कि गुड़गांव जो है आज की डेट में शिमला बना हुआ है यार। मतलब पल पल में आपके मौसम चेंज हो रहे हैं, पल पल में आपकी विजिबिलिटी जो डाउन हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, मज़ेदार यार। तो भाई हमने लगा दी अपनी वाइट फॉक्स इधर, टोटल जैसा कि आप देख रहे हो अंधेरा हो चुका है यार। तो क्या कहें, अब एकदम से मौसम चेंज हुआ है और अब हम आ गए हैं गैलेरिया मार्केट में। चलो भाई अपना परम मित्र मिलने वाला है, एक अपना अच्छा दोस्त पकड़ते हैं चल के अपने अड्डे पे, बैठे हुए हैं लड़के यहाँ पे सारे। चलो जी लेट्स गो। और कैसे चल रही है आपकी लॉगिंग? तुम बता, तुम बड़े मजे मार के आ रहे हो भाई साहब, मेरे कहानियां बता दो जरा, क्या क्या हुआ जरा, आओ जरा। नहीं नहीं वो कहानियां भी नहीं बता सकते, वो अकेले बता सकते हैं। अनसेंसर्ड हो तुम बिल्कुल, अनफिल्टर्ड भी हो, अनफिल्टर्ड ना, तो अनफिल्टर्ड बिना फिल्ट्रेशन के बताओगे आप हमें सारी बातें। हां इस पे कैमरे पे, हां क्यों मरवा रहे हो? मैंने ऐसा कुछ करके दिया है, मुझे पता है। Enjoy तो आप रॉ अनफिल्टर्ड मजा लेके आए हो। हाँ हाँ, अरे वो तो दुनिया ने व्लॉग में देख ही लिया, हम कैसे लेके आए। यार तो लड़ाई भी हो गई थी यार आज। मैंने ना आज अभी मैं होके आ रहा हूँ वहीं से गुड़गांव में ही, मैंने बहुत चीजें इन्वेंट की है, खोजी है गुड़गांव में ही,
अदू का जाना बनता है वहाँ। कहाँ 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 भाई देख लेना ब्लॉग आ रहा है। हाँ हाँ बताओ देख लेना बता दो कौन सी जगह। नहीं रात को ब्लॉग शूट हो जाएगा तो देख लेना ठीक है। जा रहे हो अल्टीमेटली हो आए भाई साहब हो आए हम हो आए और इट इज़ वन प्लेस विच यू शुड गो विद किड्स एंड फैमिली ठीक है जाना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई मैं ये कह रहा हूँ हाँ कोई प्रोग्राम बनेगा कहीं चलने का बना लो यार। नेपाल चलते हैं भाई। एक काम करते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना लेट्स प्लान ए शॉर्ट ट्रिप टू चंडीगढ़ या शिमला टाइप ना आसपास थोड़ा। यार चंडीगढ़ शिमला मत रखो या तो आप एक काम करो नैनीताल साइड देख लो उधर की ना लोकेशन बड़ी अच्छी है। वी कैन प्लान फॉर मुंशियारी। नहीं 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 छोड़ो अपने वहाँ पे होटल है बंदों के वहाँ चलते हैं और एक दिन का अप डाउन मार के आते हैं छोटे छोटे अप डाउन मार लेते हैं एक दो पता कहीं ऐसी जगह पे चलते हैं ना मतलब जो कमर्शियल ज़्यादा ना हो। मैं वही बता रहा हूँ आपको एक एक छोटे छोटे अप डाउन मारते हैं ठीक है आउटिंग हो जाएगी कहीं रेस्टोरेंट पे चलते हैं कहीं बैठते हैं रेस्टो में एंजॉय करते हुए चलते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको करके फिर अपन धीरे धीरे चीज़ों को बिल्डअप करते हैं यार डन। तो आपका प्रोफेशनल भी काम हो जाएगा और पर्सनली भी हो जाएगा पर्सनली भी हो जाएगा ठीक है। तो ऐसा ग्रुप बना लेते हैं यार। तो अपना भाई व्यू चैनल तो बढ़िया चल रहा है बस सारे भाई लोग दबा के प्यार दे रहे हैं क्या बिंदास प्यार मिल रहा है तुम्हें लगे रहो मुन्ना भाई और आप भी लगे रहो प्रोफेशनली ट्राई कर रहे हैं यार देखो डाला है। अरे बिल्कुल कर और सपोर्ट करो यार है ना ऑलवेज ऑलवेज ना यस। चलो फिर तो फिलहाल अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं और कल का प्रोग्राम बनाते हैं शाम को देखते हैं क्या सीन है। डन डन है ना ठीक है भैया। तो भाई परम से तो मिल गया यार बहुत जल्दी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कहीं चलने का और साथ में ट्रिप मारेंगे यार मज़ा आएगा भाई दोस्तों के साथ। और यहाँ से अब हम निकल पड़े हैं गैलेरिया से तो आई एम जस्ट गोइंग बैक घर चलते हैं और देखते हैं आगे कहानी क्या बनती है। तो भाई निकल पड़े हैं यार अब हम अपने भाई से मिल गए परम फ्रॉम बी यू चैनल। और अब यार यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है आज तो यहाँ से बस अब अपन गाड़ी उठा के सीधा चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो होली आज की मीटिंग्स तो लेट्स गो लेट्स मेक अ मूव। ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलो यार निकल पड़े अपनी वरना में वाइट फॉक्स में ट्रैफिक आगे ब्लॉक है पूरा यार रुक गई है गाड़ियाँ बुरा हाल है भाई गुड़गांव का। तो भाई हमने यार प्रोग्राम बनाया अभी परम से मिले हैं यार काफ़ी टाइम से बना रहे हैं कि चलो चलते हैं कहीं घूमने। अभी ये लोग होके आए हैं अपना कसौल वगैरह होके आए हैं इन्होंने परम का तो इन्विटेशन था मुझे यार पर मैं जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई सम प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। तो बस अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि जल्दी यार कहीं का प्रोग्राम बना के चलते हैं कहीं वो आते हैं शिमला वगैरह कहीं अगर चलना है तो या एक शॉर्ट ट्रिप मारा था क्योंकि मुझे जाना है दो तीन जगह मुझे जयपुर जाना है मुझे सालासर साहब के जाना है सालासर महाराज के दर्शन के लिए फिर मैं चंडीगढ़ जाना है शिमला जाना है यार। तो मेरी दो तीन ट्रिप्स हैं मैंने कहा कम ओवर विद मी इफ यू वांट टू कम ओवर तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा दो दोस्त जाएंगे यार घूमते फिरते आएंगे थोड़ा बहुत नज़ारा करके आ जाएंगे एक आधे दिन में। तो बना रहे हैं प्रोग्राम अगर बनता है तो देखो बहुत जल्दी अपन लोग निकलेंगे बट एज ऑफ नाउ आई एम स्लाइडली स्टक अप टिल 14th यार बिकॉज ऑफ माई सम सर्टेन कमिटमेंट्स। हो सकता है मैं 14th कमिटमेंट को कल तक मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ और फिर तो बाकी फिर लोकल कमिटमेंट्स ही रह जाएंगे प्रोफेशनली। तो बना रहे हैं यार देखो क्या बनता है आगे। तो बस अब हम चल पड़े और घर पहुँच के आगे कहानी करेंगे बताएंगे आपको क्या हो रहा है क्या चल रहा है भाई लाइफ में आगे है ना। तो भाई बने रहिए मोहन विक्रम शर्मा माइंड टू मेमोरीज। वैसे यार मैंने अपने चैनल का नाम ना थोड़ा चेंज किया है तो वापस मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा हो रहा है तो विक्रम शर्मा हटा के मैंने सिर्फ माइंड टू मेमोरीज कर दिया यार। और लोगो भी जो था ना अपना जो सर्कल लोगो था वो भी मैंने चेंज करके उसको मैंने सिंपलिस्टिक कर दिया सिंपल M2M का लोगो रख दिया मैंने। तो यार थोड़ी बहुत चेंजेस हो रही हैं फ्लक्चुएशन हैं बट आइडेंटिकल है मतलब आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो बने रहिए माइल्स टू मेमोरीज पे और अपना सपोर्ट दीजिए प्यार दीजिए यार। और दो ब्लॉग्स अभी बैक टू बैक आज मेरे हो गए हैं तो मैं आपको भेजता हूँ और बताइए क्या कहानी है आपको कैसी लग रही है यार क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स करिए कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दीजिए बताइए कि यार भाई ये चेंज करो वो चेंज करो क्या देखना चाहोगे अल्ट्रा एंड यू नो इनकॉर्पोरेट सर्टेन थिंग्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म जो आप लोग बोले। तो
चलते हैं यार, बस घर पहुंचने वाले हैं। घर पहुंच के फिर अपन कल का प्लानिंग करते हैं, कल क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे यार। तो चलो दोस्तों, अब हम यार देखो यार कितना फॉगी हो गया है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है, ठंड भी अच्छी खासी हो रही है यार गुड़गांव में। वाकई में यार मुझे लग रहा है कि पिछले 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा 2-3 डिग्री यार मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा था, और आज भी ठंड है अच्छी खासी। मैंने वुलन ओवरकोट पहना हुआ तो यार मुझे फील नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली भी ठंड है यार। तो बस यार यही है कि ज़्यादा लेट नाइट ड्राइव ना करें लोग, अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि रोड पे कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है यार। कोई भी जानबूझ के करता नहीं है, बट जल्दबाजी में या किसी को बचाने के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है यार। तो सभी केयरफुल, ये जो मौसम है अब देखो, जैसे सिटी में अगर इतना फॉग हो रहा है तो हाईवे पे क्या हाल होगा यार। सो बी केयरफुल, ड्राइव सेफ।